गाइस, जैसा कि आप सभी ने देखा, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया एक थार फंसी हुई थी किसी जगह। तो वो जगह क्या थी, कौन सी जगह की लोकेशन है और क्या वीडियो का मोटिव है, तो वो सब मैं बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब कर लेना और मुझे IG पे आप फॉलो कर लेना। प्यारे प्यारे से हम आजकल रील काफ़ी ट्रेंडिंग में जो डाल रहे हैं हम। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, हुआ कुछ ऐसा, मैं घर से निकल रहा था मार्केट की साइड शू पॉलिश करवाने। तो भाई शू पॉलिश करवाने जब मैं निकल रहा था तो मैंने रास्ते में सारा सीन देखा, तभी मेरे को याद आया यार अपन को मोटो व्लॉग बनाना चाहिए था आज का। बट हमारे शहर में 2-3 दिन से बारिश बहुत ज्यादा आ रही है। अगर आप अलवर शहर से हैं तो आपको पता है कि अलवर का मौसम फिलहाल थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, मानसून में बारिश आई नहीं है, बट फिलहाल अभी बारिश आ रही है। और मैंने रिसेंटली अलवर का सच नाम से एक वीडियो डाली है, अगर आप अलवर शहर से हैं तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें और अपने IG और अपने IG हैंडल पे उस वीडियो को जरूर शेयर करें। वहाँ पे मैंने अलवर की कुछ प्रॉब्लम्स बताई है, जैसा कि हमारे अलवर SP ऑफिस के बाहर, कलेक्टर ऑफिस के बाहर, जहाँ पे उनका मतलब बंगला है जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे अंधेरा रहता है, रेलवे स्टेशन के बाहर अंधेरा रहता है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लोर किया है, वो जाके आप चेकआउट कीजिए। और हाँ, वो थार भाई बुरी तरह फंसी हुई थी काफ़ी देर से, उसको 1-2 घंटे हुए थे, लोकल बंदा उसको ड्राइव कर रहा था। अगर वो बंदा कोई बाहर का होता तो भाई वो उसमें बुरी तरह फंस जाता। और शुक्र है भगवान का वो थार गाड़ी थी, और कोई गाड़ी होती तो उसमें लाखों का नुकसान होने के चांस थे, जैसा कि बम्पर टूट जाता, इंजन में डैमेज हो जाते, इंजन में पानी भर जाता, हेडलाइट्स ब्रेक हो जाती, कूलेंट खराब हो जाता, फोग लाइट्स वगैरह, बम्पर वगैरह, डोर वगैरह, काफ़ी सारे उसमें दुनिया भर के नुकसान हो जाते, वायरिंग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पानी से शॉर्ट सर्किट से खराब हो जाती है। तो ये काफ़ी सारी समस्या आ सकती थी, बट शुक्र है वो थार गाड़ी थी, वो आराम से निकल गई और उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। जहाँ तक मैं गैस कर पा रहा हूँ, 1000 रुपये समथिंग क्रेन वाले ने लिए होंगे और 1000 रुपये समथिंग उसमें नंबर प्लेट वगैरह पेच पाच के लग जाएंगे। और गाइस, हाँ, रिसेंटली हम काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं हमने, वो भी आप चेकआउट करो अलवर के। हमने टूरिस्ट प्लेस के अलवर में रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हुई है, उस सारी प्लेस के मैंने वीडियो बनाए। आप अलवर शहर से हैं तो भाई को सपोर्ट करना आपका बनता है। और थोड़ा सा ही मैंने वीडियो बनाया ये, और आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो होने वाला है हमारा बेस्टेड एंड फेवरेट, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको हम रोस्ट करने वाले हैं। तो मेरा अगला वीडियो आप देखना ना भूलना और उस पर भाई बहुत सारा प्यार देना। और अलवर के सच वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसको जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए आप। मैंने अलवर का एक छोटा सा क्लिप बनाया और मैंने काफ़ी सारे अलवर के जो लोकल पेजेस थे उनको बोला भाई IG पे शेयर करो, पर क्या करें बड़े लोग। बट कोई नहीं, आप जाके प्लीज़ मेरे उस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए। अगर आप उस पर कमेंट करेंगे तो अलवर शहर के लिए अच्छा होगा। ये आप सभी को सपोर्ट करना है गाइस। ये छोटा सा मैंने क्लिप आप सभी के लिए बनाया है और पिछला वीडियो भी मैंने आप सभी के लिए बनाया है। तो SMD पे बुरी तरह गाड़ी फंसी हुई थी, अगर आप वहाँ से निकलते हैं आते जाते हुए तो प्लीज़ गाइस बहुत सेफ्टी से निकलें। और ऐसी जगह जहाँ पे सिविल लाइन वगैरह के खड्डे हो जाते हैं वहाँ पे भी आप बहुत सेफ्टी से निकलें। बाकी मेरा अगला वीडियो, फिर से बोल के जा रहा हूँ जाते जाते, अगला वीडियो मेरा भाई बड़ी कंपनी को एक्सपोज करने वाला है, तो जरूर देखना। तो आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय।